Hey guys, welcome back to Explore on Wheel. मेरा नाम अहमद, welcome back to the another video. तो जी यहाँ पे हो रही है जी लाइव स्नोफॉल और हमारे साथ है दो जिमनी. तो दो जिमनी के बीच में क्या डिफरेंस है भाई? ये मेरी जिमनी जिसके अंदर है हमारे अपोलो के 80 टायर्स और ये वाली जिमनी है भाई जिसके अंदर स्टोक टायर्स. तो जी इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी का परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ स्नो के अंदर, कैसा क्या रहेगा स्टोक टायर वर्सेस 80 टायर. तो जी मेरा इस वीडियो से ना पर्पज ये है बेसिकली आप लोगों को बताना कि क्या आपको अपने जिमनी पे 80 टायर डलवाने चाहिए. आप अगर कभी कभी स्नो ट्रिप्स पे जाते हैं या हिल्स एरिया में जाते हैं या आप अपने स्टोक टायर पे भी गाड़ी को स्नो पे चला पाएंगे. जी अभी परविंदर भाई अपनी जिमनी का रिव्यू देंगे. अभी 2-3 इंच जो स्नो गिर रही है, लाइव स्नो गिर रही है, उसके अंदर मतलब अभी इनको कैसा एहसास हो रहा है? तो भाई अभी बताओ, कोई मतलब स्लिप पेज लगा आपको, कहीं स्किड हुई या कहीं पे 4x4 यूज करने की नीड पड़ी अभी तक? नहीं अभी मेरी जो टायर है मेरा स्टॉक टायर है, अभी तक मैंने 4x2 में है और मैंने ना हिल कंट्रोल लगाया ना 4x4 लगाया, अभी तक 4x2 में मस्त चल रही है, ना मेरे को अभी फील हुआ है. तो जी अभी तक का रिव्यू अच्छा है क्योंकि स्नो कम है और ऊपर से जो कंपनी भी क्लेम करती है कि स्नो रेटेड टायर्स है तो इतने हल्के फुल्के स्नो में तो चलेंगे ही, लेकिन जो अभी जो है आगे एक्सट्रीम टेस्टिंग होगी इसकी तब पता लगेगा, तो बने रहना वीडियो के अंदर. तो जी इधर आ रही है हमारी जिमनी विद स्टोक टायर. अभी ये देखो ये है हमारे एप्टेरा 82, तो इसके अंदर क्रूज में कोई स्नो नहीं फंसी हुई. और इधर देखो ये है जी स्टोक टायर्स. तो अभी क्या है ना, अभी तो कम स्नो है तो अभी धीरे धीरे जिसमें स्नो फंसने स्टार्ट होगी ना तब ये स्किड होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो ग्रूव्स हमारे देखो कहीं से भी मतलब फुल नहीं है स्नो से और साथ के साथ स्नो को छोड़ रहे हैं. बट ये वाले टायर ना ये देखो ये अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं. तो अभी तक तो 4x2 में ही आ रही है गाड़ी, लेकिन आगे मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना पूरा आई से नीचे ब्लैक आई से पूरा तो इशू हो सकता है. तो जी ये देख लो अभी जो गाड़ी है 4x2 पे है और लो स्किड मार रही है. तो ये है स्टोक टायर, अभी हम लोग अपने 80 टायर में पहुंचा चढ़ाएंगे. अब ऐसा नहीं है मेरे पास 80 टायर है तो मैं हर जगह से मेरी गाड़ी निकल जाएगी 4x2 में. मेरी यहाँ पे भी स्किड हुई है और आगे आपको वीडियो में पता लगेगा बहुत जगह स्किड हुई है जहाँ पे स्टोक टायर भी आपके बड़े प्यार से निकल गए हैं. तो बेसिकली हम लोग ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बीच का मैं बैलेंस बता पाऊँ आप लोगों को, आप लोग कब 80 टायर के लिए जाएं या फिर आप स्टोक टायर पे भी अपनी जर्नीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. तो भाई हम लोग अभी भी 4x2 में चल रहे हैं मस्त और कोई इशू नहीं आ रहा. और भाई साहब बढ़िया अच्छी खासी स्नोफॉल है भाई यहाँ पे और ऊपर से भाई साहब पूरे तूफान आ रहे हैं हवा के साथ साथ ना, तो तगड़े वाले मजे हैं भाई, तगड़े वाले. यहाँ पे 4x2 में गाड़ी इसलिए चल पा रही है क्योंकि भाई यहाँ पे ना फ्रेश स्नोफॉल है, जो नीचे वाली स्नोफॉल है ना वो काफ़ी नीचे है, तो फ्रेश स्नोफॉल की वजह से मेरा ग्रिप भी अच्छा बन पा रहा है तो कोई इशू नहीं हो रहा टायर्स में. अभी काफ़ी बचा हुआ है, 31 किलोमीटर बचा हुआ है अभी भी मुध विलेज, बट लेट्स सी कहाँ तक जा पाते हैं और ट्राई करते हैं. भाई साहब मेरे को लग रहा है कि 2-4 किलोमीटर के बाद ना यहाँ पे 2-2 फीट स्नो हो जानी है और उसके आगे फिर हम लोग 200-400 मीटर 500 मीटर ही जा पाएंगे मुश्किल से. तो स्नो के ऊपर गाड़ी चलाना ना एक आर्ट है और ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि आपके टायर किस रेटेड है, कितनी हवा है, आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, क्या आप उसको स्मूथली चला पा रहे हैं, बार बार ब्रेक तो नहीं यूज़ कर रहे. तो अब स्टोक टायर में देखो आप यहाँ पे गाड़ी रुकी, इनकी स्किड भी हुई, प्लस मैंने भी इनके पीछे रोकी जब इन्होंने उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी जबकि मेरे 80 टायर थे यहाँ पे उठ गई. लेकिन यही सिचुएशन अलग भी हुई है, कहीं पर मैंने जो ब्रेक मार दिए वहाँ पे गाड़ी स्किड मार गई, या मैंने कुछ ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में अपनी जो थ्रोटल थी वो कुछ ज़्यादा ही दे दी जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा था खाई के अंदर. तो ये सब एक हार्ट है और डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे. 80 टायर का बस यही फ़ायदा जो मैं आपको लोगों को बता सकता हूँ ना कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रिप मिल जाएगी कंपेयर टू दी स्टोक टायर. बाकी स्टोक टायर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्नो के ऊपर, मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी उनसे अच्छा कर रहे हैं.
तो अब मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट दिखाता हूँ मेरी गाजा ट्रिप पे, जिस पे मैं बहुत प्यार से गाड़ी को उतार रहा था। मेरे पास 80 टायर भी थे, मेरी स्पीड थी जो 3-4 की थी, लेकिन सडनली मैंने हल्का सा ब्रेक पे पैर रखा और ये देखो ऑलमोस्ट मैंने होमस्टे की दीवार को उड़ा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि 80 टायर हो गए तो भाई हर जगह बिल्कुल स्मूथ चलेगी, ऑल डिपेंड्स अपॉन दी आपकी हवा कितनी है। क्योंकि वहाँ पे क्या था, नीचे थी आइस, और जैसे ही हल्की सी मैंने ब्रेक पे प्रेस करा, क्योंकि मेरे को गाड़ी रोकनी थी वहाँ पे, और जो गाड़ी है ऑलमोस्ट हिट कर गई थी होम स्टे को। तो यहीं पे अगर नॉर्मल टायर होते तो मे भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते, या मे भी इसे और गंदा करते। जहाँ पे मेरी गाड़ी रुक गई तो उनकी ना भी रुकती या रुक भी जाती। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट ड्राइवर्स किस तरीके से वो चला रहे हैं, और आपकी ब्रेकिंग पे भी आप कितना स्मूथ उसको गाड़ी को रोक पा रहे हैं या कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा, जब आप लोग डाउन हिल आ रहे हैं तो आप आइए 4L के अंदर, कोशिश करिए जहाँ पे आपको 20 से 30 किलोमीटर की स्पीड पे चलना है। अगर आपकी गाड़ी में 4L है तो आप 4L पे लाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है पावर जो जनरेट होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पहिए जो है बिल्कुल स्लो स्लो घूम रहे होते हैं। और जब आपको अपहिल जाना है तो आप 4H का यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको ट्रैक्शन चाहिए, पावर चाहिए जो आपको 4H देगा। तो जी ये जी हमारे स्ट्रोक टायर्स, तो इन्होंने ओके ओके परफॉर्म करा, कोई इशू नहीं आया लगभग। तो प्रॉब्लम का आती है ना सॉफ्ट स्नो में, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है ना, तो वहाँ पे क्योंकि गुट्टी ज़्यादा डीप नहीं होती ना तो चिपक जाती है ऐसे स्नो जैसे अभी चिपकी हुई है, तो उसकी जैसे इशू आएगा। और अभी इनकी हवा निकाल रहे हैं, हवा बहुत ज़्यादा थी, 35 थी, तो अभी मैं 20 करा रहा हूँ सबकी, चारों टायर की, क्योंकि स्नो चेन भी नहीं है इनके पास, तो फिर वो दिक्कत हो सकती है आगे। तो एक बार ये करते हैं काम, फिर निकलते हैं आगे। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? तो जी मेरा कंक्लूजन यही है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्नो ट्रिप्स नहीं करना चाहते हैं और कभी कभार आपको स्नो में जाना है, या आप हार्डकोर एक्सट्रीम ट्रैवलर नहीं हैं, तो आप बिल्कुल स्टोक टायर रख सकते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आपका हिली एरिया में, प्लेन एरिया में और स्नो एरिया में, और आपको माइलेज भी अच्छा निकाल के देंगे, क्योंकि वो स्टोक टायर है तो ऑफकोर्स है मारुति ने उसी के अकॉर्डिंग गाड़ी को डिज़ाइन किया हुआ है। वहीं पर अगर आप 80 टायर की तरफ जाते हैं तो आपको उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज आप ये है कि स्टोक टायर का जो मिलना बहुत मुश्किल है 80 में बाज़ार में, तो आप उसको एक कॉमन टायर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं जो कि 215 है, और उसके लिए आपको बहुत सारी एसेसरीज मिलती हैं लाइक स्नो चेन्स, जबकि स्टोक टायर के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और 80 टायर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ग्रिप भी अच्छी देगा, और बहुत सारी एडवांटेज भी पड़ेंगी, टायर थ्रेड्स भी अच्छे हो जाते हैं आपके, और उसको लेके आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी गाड़ी के साथ। वहीं पे अगर आपका बजट कम है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है 80 के ऊपर जाने की, आप स्टोक टायर यूज़ करिए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरी एक जो सोच थी कि स्टोक टायर मेरे को दगा देंगे, वहीं पे स्टोक टायर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन एक चीज जो थी यहाँ पे कि जो रिम थे गाड़ी के वो थोड़े से मॉडिफाइड थे, जिसकी वजह से स्टोक टायर की प्रोफाइल थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि वो थोड़े से चौड़े थे, तो उसका भी थोड़ा सा गाड़ी को एडवांटेज मिला था यहाँ पे। वहीं पे अगर आप लोगों के पास चाहे कोई भी टायर हो, आप अपनी एसेसरीज पूरी लेके चले, रिकवरी गियर पूरा लेके चले, ताकि किसी भी कंडीशन में आप फंस जाते हैं तो आप अपने आप को रिकवर कर पाए। जैसे यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था, क्योंकि कोई नहीं था, तो गाड़ी जो थी जो बार बार नीचे की तरफ स्लाइड हो रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे स्नो चेन लगाना सही सोचा, क्योंकि अकेले में डरना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप ऐसी प्लेस पे आके डर गए ना तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपना रिकवरी गियर साथ रखिए, चाहे आपके पास स्ट्रोक टायर हो या 80 टायर हो। तो भाई यही है, स्नो चेन लगाओ अपना, रिस्क फ्री रहो। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।